सोनालिका ट्रैक्टर्स के सबसे बड़े शोरूम की सौगात जिले के सम्मानीय किसानों को दी जा रही है। साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स प्रयोग सागर। गड़ाकोटा तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम सेवास में शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकान के विक्रेता द्वारा ग्रामीणों को राशन न दिए जाने को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों ने एक ज्ञापन गड़ाकोटा तहसीलदार यशवंत कुमार कुल्हाड़ा को दिया था, जहां कोई कार्रवाई न होने पर इनके द्वारा एक बार फिर राशन की समस्या को लेकर SDM रैली की यहां दस्तक दी गई। दो दिन पूर्व ग्रामीणों ने तहसीलदार को लिखित में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता भरत दुबे द्वारा माह मार्च बाद जून का राशन वितरण नहीं किया गया है। इसके अलावा ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाते हुए यह भी कहा गया कि ग्रामीणों को मिट्टी का तेल नहीं दिया जाता है और केवल गेहूं व नमक के पैकेट ही दिए जाते हैं, वो भी कभी कभार। नाम चला दो महीने का नहीं हाँ। का नाम से है परमट आपको का नाम से मथुरा पटेल मथुरा के हरबा आपको कोटा नहीं मिलो हाँ। नाम चढ़ा लाओ नाम चढ़ा लाओ हाँ। आपको तो कहीं थी देखी हम नहीं गए मैंने सब जने लड़का देखी आए हाँ सब जने मिल गए हैं आप लोगों के लाने हाँ नाम चढ़ा लाओ नहीं आप लोगों सरमन क्या समस्या है मई और जून को नहीं दिया है और ना शक्कर मिलती है ना ना तेल मिलता है मिट्टी का हाँ, भरत दुबे सेवास पंचायत में भरत दुबे जो सेल्समैन है मार्च और जून का इस साल इस वर्ष का राशन पानी अभी तक नहीं दिया है गरीब पब्लिक के लिए और ऐसी जानकारी है कि वो लगातार कई सालों से मार्च माह का राशन ही नहीं दे रहे। इसके संबंध में हम लोगों ने आज SDM महोदय और परसों गड़ाकोटा रैली तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। हम लोग उचित कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। वहीं इस मामले में संबंधित राशन दुकान के विक्रेता भरत दुबे का कहना है कि अगस्त माह का खाद्यान्न आवंटन से आधा आया है इसलिए नहीं बांटा और मार्च का खाद्यान्न मेरे द्वारा बांटा गया है। वहीं इस मामले में तहसीलदार यशवंत कुमार कुल्हाड़ा का कहना है कि ग्रामीणों ने एक आवेदन दिया है, जाँच करा कर कार्रवाई की जाएगी। उसमें जाँच पड़ताल करके गांव वालों से दोनों पक्षों से पूछताछ करके प्रतिवेदन बनाकर SDM साहब को कार्यवाही हेतु भेजा गया है। भाई दोनों पक्ष एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, प्रमाण वो पेश करेंगे उच्च स्तर पर, वो ऐसा पाया जाएगा। शिकायतकर्ताओं ने कोई सबूत पेश नहीं किए, जांच के दौरान कोई सबूत पेश नहीं किए, शिकायत के पक्ष में कोई सबूत या प्रमाण या दस्तावेज या कार्ड नहीं पेश किए। उसने पेश किया, उसने विवरण पेश किया था, उसमें पूरा देना कि हमें राशन मिलता नहीं, वो वही पर्ची बना देते हैं और वही सब करके अपने नाम। भाई मैं बता रहा हूँ कि शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायत के समर्थन में कोई सबूत प्रमाण दस्तावेज कार्ड प्रस्तुत नहीं किए हैं। गौरतलब है कि POS मशीन से किए जा रहे राशन वितरण में कोई भी उपभोक्ता राशन से वंचित नहीं रह पाता, बावजूद इसके जब गांव में पता किया गया तो हर माह करीब 10% उपभोक्ता या तो गांव में नहीं होते हैं या राशन सामग्री उनको प्राप्त नहीं हो पाती। उसके बाद भी POS मशीन पूरा आवंटन खत्म होने की जानकारी देता है। खैर अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारी इन ग्रामीणों को क्या उचित न्याय दिलाते हैं।